राधे राधे। अपना चैप्टर चल रहा था भाई, सरफेस केमिस्ट्री। इस सरफेस केमिस्ट्री में अपन एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, हीट ऑफ एडसॉर्प्शन। ये जो हीट ऑफ एडसॉर्प्शन है वो क्या होता है उसकी बात सुने आप। देखो, ये आपके पास है एडजॉर्बेंट, और ये जो है जो एडजॉर्बेंट है, इस एडजॉर्बेंट में यहां पर ये इसके पार्टिकल और ऊपर ये है एडजॉर्बेंट। तो ये किसी गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें आप एडजॉर्बेंट बोलेंगे, और ये कोई सॉलिड या लिक्विड है जिसे आप एडजॉर्बेंट बोलेंगे। ये एडजॉर्बेंट आकर के इसके ऊपर बैठेगा। बैठता इसलिए है क्योंकि इसके बीच और इसके बीच यहां अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन किस किस के बीच है? एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स और एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन है। इसी अट्रैक्शन के कारण ये आकर के बैठेगा। ठीक है, अब देखो, अगर मान लीजिए ये एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स 1 मोल होते, 1 मोल का मींस 6.023 × 10²³ मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स होते यहां, तो ध्यान दें इस एडजोरबेंट के 1 मोल मॉलिक्यूल्स अगर इस एडजोरबेंट पर बैठते हैं तो यहां पर एनर्जी रिलीज होगी, और इसी रिलीज होने वाली एनर्जी को आप क्या बोलेंगे? हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है? देखो, थर्मोडायनेमिक्स ये कहती है कि अगर कहीं भी अट्रैक्शन है तो एनर्जी रिलीज होगी, अट्रैक्शन कहीं भी हो। आप किसी के अट्रैक्शन के कारण कहीं जाते हैं, चक्कर काटते हैं, देवी माता के जाते हैं, या कहीं भी मंदिर में जाते हैं, किसी पार्क में जाते हैं अट्रैक्शन के कारण, तो आपकी एनर्जी रिलीज होगी, थर्मोडायनेमिक्स कहती है। थर्मोडायनेमिक्स ये कहती है कि इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन है तो भी एनर्जी रिलीज होगी, और इसी रिलीज होने वाली एनर्जी को आप हीट ऑफ एडजॉर्प्शन बोलते हैं। एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी होती है डेल एच। डेल एच की वैल्यू 0 हो सकती है, डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, डेल एच की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। तो ये जो एंथैल्पी है, ये एंथैल्पी 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। पॉजिटिव कब, 0 कब होगी? जब एनर्जी न तो बाहर निकले न अंदर जाए। पॉजिटिव कब होगी? जब सिस्टम एनर्जी लेता है, और यानी एंडोथर्मिक अगर प्रोसेस हो तो डेल एच इक्वल पॉजिटिव, और अगर ध्यान दें एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो तो डेल एच इक्वल नेगेटिव। तो ध्यान दें यहां पर ये जो एडजॉर्प्शन है इन दोनों के बीच अट्रैक्शन है, एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मींस क्या है? ये कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, डेल एच इक्वल नेगेटिव। तो ध्यान रखना एडजॉर्बेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और डेल एच की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है भाई, तो आपने पढ़ा हीट ऑफ एडजॉर्बेशन क्या होता है, कि यदि मान लीजिए किसी गैस या लिक्विड के 1 मोल मॉलिक्यूल्स एडजोरबेंट पर एडजोर्ब होते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसे आप हीट ऑफ एडजोर्बेशन बोलते हैं।
ठीक है, या फिर अपन कहें कि अधिशोषण की ऊष्मा क्या होती है, अधिशोषण की ऊष्मा क्या होती है। तो अधिशोषण की ऊष्मा क्या होगी भाई, कि यदि मान लीजिए ये आपके पास एडजोर्बेट, एडजोर्बेट का मीन्स होता है अधिशोष्य, और एडजोर्बेंट का मतलब होता है अधिशोषक। तो ध्यान देना, यहां इस अधिशोष्य और इस अधिशोषक के कणों के बीच अट्रैक्शन है, और इसी अट्रैक्शन के कारण एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी बाहर निकलेगी, और इसी बाहर निकलने वाली एनर्जी को आप बोलेंगे अधिशोषण की ऊष्मा। ठीक है, ये जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी मान लीजिए एनर्जी ही है, तो ये जो एंथैल्पी है हीट है, ये जो एंथैल्पी है डेल एच, एंथैल्पी को ध्यान दें डेल एच से इंडिकेट करते हैं, ये डेल एच की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। जीरो कब होगी, जब एनर्जी ने बाहर जाए या अंदर जाए। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक का मीन्स होता है कि प्रक्रम आपके पास ऊष्मा शोषी है, तो ध्यान रखना ऊष्मा शोषी हो डेल एच बराबर पॉजिटिव, और ऊष्मा छेपी हो, ऊष्मा छेपी हो डेल एच बराबर नेगेटिव। तो ध्यान रखना एडजॉर्प्शन या अधिशोषण एक ऊष्मा छेपी प्रक्रम है, इसलिए डेल एच बराबर नेगेटिव होता है। तो ध्यान दें अधिशोषण या एडजॉर्प्शन ऊष्मा छेपी प्रक्रम है, डेल एच बराबर नेगेटिव होता है। आगे चलते हैं अपन, अब अपन इसका अगला जो टॉपिक है वो ये है थर्मोडायनेमिक पॉसिबिलिटीज, ऊष्मा गतिकीय संभाव्यता या संभावना क्या है थर्मोडायनेमिक्स की, अधिशोषण या एडजॉर्प्शन की। तो देखिए अपन थर्मोडायनेमिक पॉसिबिलिटीज देखते हैं, या थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट देखें, या इसकी मैकेनिज्म देखें। क्या मैकेनिज्म है ध्यान देना, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने यह पढ़ा था कि ये एडजॉर्बेंट है और ये एडजॉर्बेट है, तो इस एडजॉर्बेंट और इस एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स के बीच यहां पर अट्रैक्शन है, और इसी अट्रैक्शन के कारण यहां एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है इसका मींस ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और एक्सोथर्मिक अगर प्रोसेस है तो डेल एच इक्वल नेगेटिव। तो पहली बात थर्मोडायनेमिक्स ये कहती है कि एडजॉर्बेशन में डेल एच इक्वल नेगेटिव, यानी प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी। इक्वेशन एक, ये जो एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स हैं बैठने से पहले, एडजॉर्ब होने से पहले इधर उधर घूम रहे थे, अगर स्टूडेंट इधर उधर घूमे रैंडमनेस या अव्यवस्था बहुत ज्यादा होगी, डेल एस बराबर पॉजिटिव, यानी एंट्रोपी बहुत ज्यादा है जब ये मॉलिक्यूल्स इधर उधर घूम रहे हैं, और जब ये मॉलिक्यूल्स आकर के इसके ऊपर बैठ जाएंगे अव्यवस्था घट जाएगी, रैंडमनेस डिक्रीज हो जाएगी, और अगर रैंडमनेस डिक्रीज हो गई बैठने के बाद, एडजॉर्ब होने के बाद, डेल एस बराबर नेगेटिव। डेल एस नेगेटिव का मींस एंट्रोपी डिक्रीज हो गई,
तो ध्यान रखना एडजॉर्प्शन में दो चीजें होती हैं, एक एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए डेलचिक पर नेगेटिव, और दूसरी बात इसमें एंट्रोपी डिक्रीज होती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्या आपके पास इक्वेशन है, गिब्स इक्वेशन, और गिब्स इक्वेशन आपके पास है कि डेल जी इक्वल डेल एच माइनस टी डेल एस, ये आपके पास गिब्स इक्वेशन है। इस इक्वेशन एक और दो की वैल्यू आप यहां रख दें तो मैं लिखूं कि इक्वेशन एक और इक्वेशन दो से वैल्यू अगर मैं यहां रखता हूं तो ध्यान दे क्या हो जाएगी इक्वेशन, ये डेल जी इक्वल डेल एच की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव डेल एच, ठीक है, माइनस टी, और डेल एस की वैल्यू यहां नेगेटिव है, डेल एस की वैल्यू नेगेटिव, ये नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस टी डेल एस, इक्वेशन ये हो जाएगी। और अगर मान लीजिए डेल एच की वैल्यू टी डेल एस के इक्वल हो जाए, डेल एच की वैल्यू टी डेल एस के इक्वल हो जाए, ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव में इक्वल हो गई तो कैंसिल, और डेल जी का मान आ जाएगा जीरो। और ध्यान रखना अगर डेल जी का मान जीरो आ जाए तो समझना वहां सिस्टम में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम का मीन्स है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका आकर के बैठना एडजॉर्प्शन, उठ करके जाना डिसॉर्प्शन, दोनों एडसॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन दोनों का जो स्पीड है वो इक्वल हो जाएगी, आकर के बैठना और जाना एक समान वेग से होने लग जाएगा, आप कहेंगे कि वहां सिस्टम में क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, और वो इक्विलिब्रियम कब होगा, जब डेल जी इक्वल जीरो होगा। अगर मान लीजिए डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो ध्यान रखना प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप हो जाएगा, कब, जब डेल जी इक्वल नेगेटिव आ जाए। और डेल जी नेगेटिव कब आ सकता है, जब इस डेल एच की नेगेटिव वैल्यू इस टी डेल एस से ज्यादा हो, तो ध्यान रखना डेल एच का मान पर्याप्त नेगेटिव होना चाहिए ताकि डेल जी नेगेटिव आ जाए, और डेल जी जब नेगेटिव आ जाएगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। तो ध्यान रखना थर्मोडायनेमिक्स ये कहती है कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं तो आप पता लगा सकते हैं कि डेल जी इक्वल जीरो हो इक्विलिब्रियम, डेल जी इक्वल पॉजिटिव हो नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल जी इक्वल नेगेटिव हो स्पॉन्टेनियस, ये थर्मोडायनेमिक्स ये कहती है। तो ध्यान दें थर्मोडायनेमिक्स एस्पेक्ट की बात करें, थर्मोडायनेमिक पॉसिबिलिटी ऑफ एडजॉर्बेशन की बात करें या एडजॉर्बेशन की मैकेनिज्म की बात करें तो ये आपके पास एडजॉर्बेशन की मैकेनिज्म है, थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ एडजॉर्बेशन है या थर्मोडायनेमिक पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, या फिर मैं इसको दोबारा से बताऊं आपको कि अगर मान लीजिए आप ऊष्मा गति की है उष्मा गति की है संभाव्यता इसकी देखना चाहें, थर्मोडायनेमिक पॉसिबिलिटीज देखना चाहें, इसकी क्रियाविधि देखना चाहें अधिशोषण की, अधिशोषण की उष्मा गति की है संभाव्यता देखना चाहें तो देखो कैसे देखेंगे, अपन वापस देख लेंगे बार, ये आपके पास एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेंट का मींस होता है भाई अधिशोषक, और ये आपके पास है एडजॉर्बेट, ये होता है अधिशोष्य, इस अधिशोष्य और इस अधिशोषक के पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन है, आकर्षण है, इस कारण से एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी अगर रिलीज होती है तो ध्यान देना प्रक्रम उष्मा क्षेपी होगा, और प्रक्रम अगर उष्मा छिपी है डेल एच बराबर नेगेटिव। ठीक है, आकर्षण है उष्मा बाहर निकल रही है,
डेल एच बराबर नेगेटिव, उष्मा क्षेपी। एंट्रोपी अवस्था पहले ज्यादा थी, बैठने के बाद कम हो गई, तो अधिशोषण में एंट्रोपी घटती है, अधिशोषण में एंट्रोपी घटती है, इसलिए मैंने कहा डेल एस बराबर नेगेटिव। ये गिब्स इक्वेशन है, दोनों वैल्यू आप गिब्स इक्वेशन में रख दें, ये इक्वेशन आ जाएगी। अगर ये दोनों बराबर हैं तो डेल जी की मान, डेल जी की जो वैल्यू है जीरो आ जाएगी, और डेल जी की वैल्यू अगर जीरो आ गई तो समझ लेना इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम का मीन्स ये है कि इनका बैठना और वापस उठ करके जाना समान वेग से चलने लग जाए, वो कहलाएगा इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी अधिशोषण और विशोषण समान वेग से चलने लग जाएगा, ठीक है, तो वो इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम कब होगा? जब डेल जी इक्वल जीरो होगा। डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो समझ लेना प्रक्रम स्वतः होगा, और प्रक्रम स्वतः हो इसके लिए आवश्यक शर्त है डेल जी बराबर नेगेटिव। और डेल जी की वैल्यू नेगेटिव जब आएगी? जब इस डेल एच की वैल्यू पर्याप्त नेगेटिव हो। ठीक है भाई, तो ये आ गया आपके पास उष्मागतिकीय संभाव्यता।